मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के हजारों पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया है। अब सरकार ने उत्तराखंड में ग्राम प्रधानों का मानदेय यूपी के समान कर दिया है। साथ ही अन्य सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए भी सहमति प्रदान कर दी गई है। अब तक प्रदेश में ग्राम प्रधानों को 1500 रुपए प्रतिमाह का मानदेय मिलता था, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर एक झटके में ही 3500 रुपए कर दिया है। धामी कैबिनेट ने आमजन अस्थायी कर्मियों के साथ ही वृद्धों और विधवाओं को बड़ी राहत दी है। सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी से इलाज महंगा नहीं होगा। पंजीकरण शुल्क, भर्ती शुल्क, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जांच की दरों में होने वाली 10% वृद्धि पर मार्च तक रोक लगाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वे बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। हरीश रावत ने कहा कि जाता हुआ साल बहुत दर्द दे गया, जिसके जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए हरीश रावत ने कहा कि अगर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होती तो देश और राज्य में इतने लोग नहीं मरते। सुख सुविधाओं के अभाव में हमने अपनों को खोया। कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई, खनन सहित कई मामलों को लेकर हरीश रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में स्टेट फोकस पेपर का विमोचन करते हुए कहा कि राज्य की विकास यात्रा हम सभी की सामूहिक यात्रा है। इसमें सभी को पूरी तत्परता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। गोरखा राइफल्स के हवलदार और देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वर्तमान में वो नागालैंड में तैनात थे। शुक्रवार सुबह को ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो गए हैं। इसकी सूचना उनके परिवार को देर शाम को मिली। बेटी के शहादत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। हवलदार प्रदीप का पार्थिव शरीर रविवार तक उनके पैतृक आवास पहुंच सकता है। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवान की शहादत पर दुख जताया है। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले 59 नए मरीज सामने आए थे, वहीं अब संख्या 88 पहुंच गई है। अचानक मरीजों की संख्या में ये उछाल आया है। कोविड के मरीजों की संख्या में ये उछाल तेजी के साथ सामने आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 48, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर और चमोली में 1-1, चंपावत में 2, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 8, पौड़ी में 3 और उधम सिंह नगर में 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। साल 2021 की धूमधाम से विदाई कर पूरी दुनिया ने बाहें फैलाकर 2022 का शानदार स्वागत किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत पूरे देश में लोगों ने जगह जगह अपने तरीकों से नए साल का स्वागत किया। कुछ लोग घरों से बाहर निकलकर नए साल के जश्न में शामिल हुए तो कुछ लोगों ने कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से घरों में ही नए साल का स्वागत किया। आम जनता के साथ साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया। बीएसएफ की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सीमा सुरक्षा बल की तरफ से आप सभी देशवासियों को नए वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भारतवासी को जय हिंद और सीमा सुरक्षा बल के तरफ से सभी भारतवासी को 2022 का हार्दिक शुभकामना। जय हिंद। 2022 सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। K24 न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों ने जिस तरह पिछले साल हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम आप लोगों के आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि इस साल आप हमें पिछले साल के मुताबिक दुगुना प्यार और आशीर्वाद देंगे। एक बार पुनः आपको और आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।